नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। कांग्रेस जिला प्रभारी व प्रदेश कमेटी के संगठन मंत्री विजय सारस्वत पत्रकारों से रूबरू होते हुए बोले कि देश के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है और इन 4 सालों में स्थिति यह आ गई है कि कर्मचारियों की तनख्वाह बांटने के लिए भी पैसे नहीं है। प्रदेश में युवा रोल बेरोजगार है, सरकार द्वारा नई नियुक्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। नैनीताल से अजमल हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। धन्यवाद। लेकिन कार्यकर्ताओं की चिंताएं भी बहुत हैं और शिकायतें भी बहुत हैं, तो कैसे होंगी ये पूरी? देखिए, व्यक्ति अपनी गलती से समझता है। हमारी सरकार उत्तराखंड में रही 5 वर्ष और कुछ क्या कमियां रही होंगी, जबकि मैं समझता हूँ कि रावत जी ने हर वर्ग के लिए काम किया और सरकार ने भारी प्रयास किया था। उसके बाद भी क्या फैक्टर, बूंदी फैक्टर भी है और सांप्रदायिक फैक्ट्री पूरे देश में जो केंद्र की सरकार करती है, और मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़े बड़े वचन कि दिल्ली में जो बोलते हैं रोज के, हम 2 वर्ष में किसानों की आय दोगुनी, प्रत्येक व्यक्ति को मकान रहने के लिए 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, मतलब जितनी बात भी कही, तो आप समझिए आज तक कोई बात मोदी जी की पूरी नहीं हुई। और किसान का खेत बिकवाने के जो इन्होंने कानून बनाया, वो देख रहे हैं 15 लाख किसान देश के बॉर्डर पर बैठे हैं। तो हम अपनी गलतियों से भी हमने सीखा है, सबक लिया है उनसे, और हमारा प्रयास है कि अब सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में और प्रदेश में प्रीतम सिंह जी और इंदिरा हृदय जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जो हमारी वर्तमान भाजपा की प्रदेश की सरकार है, जो सिर्फ कोरे वादे ही वादे करती है, कोई उनका काम नहीं है। और वित्तीय स्थिति, हम बार बार कहते हैं कि आप श्वेत पत्र जारी कीजिए, सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, आपका बजट कितना है, आपने कहा कितना, आज को भी ग्यारह देख ली, 400 करोड़ का बजट है, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं 30 करोड़ की घास नकली लगा दी गई है, कोई स्थायी कार्य नहीं है, और कुंभ मेला क्षेत्र हरिद्वार से लेकर नीलकंठ देवप्रयाग तक है, सारी लीपापोती पैसे की हरिद्वार में की जा रही है, उसके बाहर कोई काम नहीं हो रहा है। और योगी जी ने तो हद ही कर दी थी, जो इलाहाबाद में अर्धकुंभ हुआ उसे पूरा कुंभ बता दिया। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार को जनता, जब विधानसभा के चुनाव आगामी होंगे तभी इन्हें पर्याप्त जनता जवाब देगी, और कांग्रेस सरकार जब बहुमत में आएगी तो जितने भी भ्रष्टाचार, रोज लोकपाल की बात करते थे त्रिवेंद्र रावत जी कि हमारे खिलाफ को भ्रष्टाचार, आप लोकपाल बनाएंगे नहीं तो आपकी शिकायत आपसे ही करेंगे हम। आप समझ लीजिए किसी भी विकास हो, भ्रष्टाचार की शिकायत करने या तो जाएँ काम, तो सरकार का जब अब चुनाव में सरकार जाएगी तब हम इनका पर्दाफाश करेंगे, इन्हें बैकफुट पे करेंगे और कांग्रेस बात ठीक है। लेकिन हरीश रावत अपने को चेहरा घोषित कर चुके हैं और आप कह रहे हो इंदिरा और प्रीतम के नेतृत्व में चुनाव, चेहरा घोषित अपने, रावत जी एक बड़ा चेहरा, पहले से चेहरा है, वो राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के प्रभारी हैं, वो उनका चेहरा पहले से बड़ा है। ये हाईकमान का काम है कि जब हमारा विधानमंडल दल में विधायक चुन के आ जाएंगे वो तब बताएगी किसका चेहरा है, कौन चेहरा रहेगा। तो अभी सब नेताओं को एक कार्यकर्ता बन के, नेता और कार्यकर्ता का जब तक भेद हम खत्म नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस में एकता नहीं आएगी। सब कार्यकर्ता है, कोई नेता नहीं है, एकजुट होकर के सभी लोग पहले विधायक चुनवाएं, जब विधायक चुने जाएंगे तब हाईकमान बताएगा कौन चेहरा। एक रंजीत रावत कह रहे हैं कि हरीश रावत सटिया गए हैं इस उम्र में, क्यों हो रहा है ये सब? नहीं देखिए, अब ये तो रंजीत रावत कह रहे हैं तो ये तो रंजीत रावत ही जवाब देंगे।
और मेरा ये कहना है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम अगर सामान्य कार्यकर्ता से अनुशासन की बात करते हैं तो जो अपने को बड़े नेता कहें, चेहरा कहें, उन लोगों को भी अपनी बात पार्टी फोरम में रखनी चाहिए। अगर समाचार पत्र में कोई बात कहता हूँ तो उसके कोई मायने नहीं है। अगर किसी कोई बात रखनी है तो हाईकमान पर जाकर के रखे, और समय समय पर जब भी हाईकमान जो निर्णय लेगा कार्यकर्ता उसे स्वीकार। क्या आप तो प्रभारी हैं इस जिले के, लेकिन क्या उनको कहा गया है रंजीत रावत को कि इस तरह की बयानबाजी क्यों है? क्या उन पर कोई ऐसी कार्रवाई होगी पार्टी की ओर से? कई पार्टी सलाह देना, सुझाव देना, मैं समझता हूँ इसमें क्या अनुशासन है। सठिया वर्ड तो खाल नहीं बोलना चाहिए, गलत है ऐसा बोलना, लेकिन उन्होंने गुरुजी को ये कहा था कि शायद उनकी उम्र हो गई है, अब वो गुरुजी हैं, वो उनके चेले हैं, तो बताइए उनके बीच हम क्या जवाब दें उनका। लेकिन फिलहाल तो तनातनी है दोनों में। नहीं तनातनी है, देखिए ये ऐसा है, ये सेवा के लिए संघर्ष है कि कौन व्यक्ति आगे बढ़ के ज्यादा सेवा करना चाहता है, ये तनातनी नहीं है, सेवा के लिए संघर्ष। सल्ट का चुनाव होना है और सेमीफाइनल माना जा सकता है इसको विधानसभा का, तो क्या पार्टी तैयार? अधिसूचना जारी होगी और मेरा विश्वास है कि जो राज्य की स्थिति है कि तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है, कोई नई नियुक्ति भी नहीं है, सरकार कुर्सी के अंदर बैठे बैठे चल रही है, वहीं से कंप्यूटर में बैठ करके वहाँ से उद्घाटन कर देते हैं, फलासर का उद्घाटन कर दिया है, चार धाम की यात्रा का आपने हाल देख लिया होगा, मंदिरों का अधिग्रहण कर दिया है, सरकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और कुंभ में मकर संक्रांति से जो हमारा कुंभ प्रारंभ होना था, इन्होंने वैदिक इतिहास को भी तोड़ मरोड़ दिया है। अब इनके हाथ में कब शाही स्नान होगा, कब कुंभ प्रारंभ होगा, अब सारी स्थिति देख रहे हैं। तो कुंभ को जो अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, कुंभ प्रारंभ भी नहीं हुआ है, कोई यात्री आए नहीं, शाही स्नान कब होगा, सारे अखाड़े कब आएंगे, अब सब लिए पैसा ही खर्च करना उद्देश्य है, कुंभ भी किस तरह हो रहा है, इससे भी उत्तराखंड का सम्मान। सल्ट में कौन पार्टी के लिए? अब देखिए सल्ट में तो हाईकमान निर्णय लेगा कौन व्यक्ति लड़ेंगे, पार्टी देखेगी उस समय भाजपा किनको टिकट देती है, कांग्रेस किनको टिकट देगी, लेकिन लड़ाई बहुत मजबूत होगी। और मैं समझता हूँ कि जब 4.25 साल हुए होंगे, सरकार के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि 4.25 साल में हमने प्रदेश में कुछ किया। गंगा पंचोली ने दावेदारी ठोकी है। अब देखिए हमारे तो बड़ी पार्टी है, 5-5, 10-10 प्रत्याशी सब जगह है, हाईकमान के हाथ में क्या निर्णय लेंगे।